हरियाणा में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब, लोगों को सता रहा लॉकडाउन का भय। दोस्तों नमस्कार, आपके साथ में योगेश वत्स। दोस्तों उम्मीद थी कि नया साल नई उम्मीदें लेकर आएगा और कोरोना महामारी से हमें निजात दिलाएगा, लेकिन यहां तो सब उल्टा हो गया है। साल की शुरुआत से ही पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं और आम लोगों में लॉकडाउन की दहशत बैठ गई है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि लॉकडाउन का सीधा संबंध लोगों की रोजी रोटी से है और जो लोग हर रोज कमाकर खाते हैं उनके लिए तो ये शामत भरे दिन होते हैं। नया साल शुरू होते ही देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं और तेजी से कोरोना के बढ़ते हुए मामले भी चिंता का सबब बने हुए हैं। कई जिलों में तो मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसों की संख्या भी बढ़ रही है। इन तमाम बातों के मद्देनजर एक सवाल जो सबके मन में उठता है कि क्या हरियाणा में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा। इस पर सरकार की ओर से कहा गया है कि यदि उद्योगपति, व्यापारी और संस्था चलाने वाले लोग सहयोग करेंगे तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। मतलब बाहर काम करने वाले सभी लोग अगर कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी बैठक कर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन की ओर से तमाम अधिकारियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है, दिल्ली में हर रोज मामले बढ़ रहे हैं, इससे हरियाणा प्रदेश को सबक सीखना चाहिए। दोस्तों मैं भी जब फील्ड में डॉक्टरों से बातचीत करता हूं तो वो बताते हैं कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट वाकई में बड़ी तेजी से फैलता है, इसलिए ये चिंता का सबब है। हालांकि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगेगा या नहीं इसकी तस्वीर कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे तो आप बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, मास्क जरूर लगाएं और दोनों वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। दोस्तों फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें KNN मीडिया के साथ। नमस्कार।